नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम माध्यमिक हिंदी कहानी नमक का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नमक कहानी का पाठ। नमक कहानी रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है कहानी, उसके बाद हम पाठ करेंगे। तो पढ़ते हैं, रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्विवासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति गहरा लगाव है के खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? चलिए अब पाठ मूल पाठ करते हैं। नमक कहानी का शुरू करते हैं मूल पाठ। चलिए शुरू करते हैं नमक कहानी का मूल पाठ। बहुत सारा MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा प्रश्न, लाइनिंग प्रश्न सब आ सकता है, आता ही है, करना पड़ता है। शुरू करते हैं नमक। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी कि इस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी, चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसकी बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी
आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साड़ा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचा कर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिमखाना की सामे, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि पिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों अजीजों की यह हालत की कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कहाँ रखे, कैसे पेक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी दामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगे, करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुझला गई, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों फिर जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना होगा, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छुपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, कानून। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरौबत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसानी हैं, कोई मशीन तो नहीं होते? जिस रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था, सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसीलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान भागने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें तीनों थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया।
अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जानने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से किनू, सब हिला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने किनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवो खोफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ जोड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और उठकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना खत सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहका रहा था। कभी किसी तरफ तरक से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोकने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां भी थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम लोग नहीं आ सकते? उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नेवदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दुधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, वहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस
भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोल सीरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयां। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किनु, जिनको देखते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की गुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहम्मद का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसे जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिसमें उसके पैसे का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजे खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वही एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भर कर उसे गौर से देखा, बोले, फरमाइए। उनके चेहरे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी? जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको आपको भी तो शायद इधर आए? जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को
یا نمک دیتے وقت میری طرف سے کہیے گا کہ لاہور ابھی تک ان کا وطن ہے اور دہلی میرا، تو باقی سب رفتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صفیہ کسٹم کے جنگل سے نکل کر دوسرے پلیٹ فارم پر آ گئی اور وہ وہیں کھڑے رہے۔ پلیٹ فارم پر اس کے بہت سے دوست بھائی رشتے دار تھے۔ حسد بھری نظروں، بہتے ہوئے آنسوؤں، ٹھنڈی سانسیں اور بھیچے ہوئے ہونٹوں کو بیچ میں سے کاٹتی ہوئی ریل سرحد کی طرف بڑھی۔ اٹاری میں پاکستانی پولیس اتری، ہندوستانی پولیس سوار ہوئی۔ اس سمے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں سے لاہور ختم ہوا اور کس جگہ سے امرتسر شروع ہو گیا۔ ایک زمین تھی، ایک زبان تھی، ایک سی صورتیں اور لباس، ایک سا لبو لہجہ اور انداز تھے۔ گالیاں بھی ایک ہی سی تھی جن سے دونوں بڑے پیار سے ایک دوسرے کو نواز رہے تھے۔ بس مشکل صرف اتنی تھی کہ بھری ہوئی بندوقیں دونوں کے ہاتھوں میں تھی۔ امرتسر میں کسٹم والے فرسٹ کلاس والوں کے سامان کی جانچ ان کے ڈبے کے سامنے ہی کر رہے تھے۔ صفیہ کا سارا سامان دیکھا جا چکا تو وہ ان نوجوان کسٹم افسر کی اور بڑھی جو بات چیت اور صورت سے بنگالی لگتے تھے۔ دیکھیے میرے پاس نمک ہے تھوڑا سا۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ کھولا اور وہ پوڑیا ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹکتے جھجکتے ہچکی جاتے ہوئے ان کو سب کچھ کہا سنایا۔ انہوں نے سر جھکا لیا تھا، سنتے رہے، بیچ بیچ میں سر اٹھاتے، غور سے اسے دیکھتے، پھر سننے لگتے۔ بات پوری ہو گئی تو انہوں نے ایک بار پھر صفیہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، دھیرے سے بولے، ادھر آئیے ذرا۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ان کے سامان کا دھیان رکھیے گا۔ پلیٹ فارم کے سیرے پر ایک کمرہ تھا، وہ اس کے اندر گھسے۔ صفیہ داخل ہوتے ہچکچائی، وہ مسکرا کر بولے، آئیے آئیے نا۔ جیب سے رومال نکال کر انہوں نے کرسی کو جھاڑا اور بولے، بیٹھیے۔ صفیہ نے پوریا اور بیگ کو میز پر رکھ دیا۔ باہر کی طرف جھانک کر انہوں نے ایک پولیس والے کو اشارہ کیا۔ صفیہ کے پیر تلے کی زمین کھسکنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ دو چائے لاؤ، اچھی والی۔ پولیس والا صفیہ کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ پھر انہوں نے میز کی دراز کھینچی اور اس میں اندر دور تک ہاتھ ڈال کر ایک کتاب نکالی۔ کتاب تو صفیہ کے سامنے رکھ کر انہوں نے پہلا صفحہ کھول دیا۔ بائیں اور نظرول اسلام کی تصویر تھی اور ٹائٹل والے صفحے پر انگریزی کے کچھ دھندلے شبد تھے، سمسول اسلام کی طرف سے سنیل داس گپت کو پیار کے ساتھ ٹھاکا 1946۔ تو آپ کیا ایسٹ بنگال کے ہیں؟ ہاں میرا وطن ڈھاکہ ہے، انہوں نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ تو آپ یہاں کب آئے؟ جب ڈیویژن ہوا تبھی آئے، مگر ہمارا وطن ڈھاکہ ہے۔ میں تو کوئی 12-13 سال کا تھا، پر نظرول اور ٹیگور کو تو ہم لوگ بچپن سے پڑھتے تھے۔ جس دن ہم یہاں آ رہے تھے اس کے ٹھیک ایک برس پہلے میرے سب سے پرانے، سب سے پیارے بچپن کے دوست نے مجھے یہ کتاب دی تھی۔ اس دن میری سالگرہ تھی۔ پھر ہم کلکتہ میں رہے، پڑھے، نوکری بھی مل گئی، پر ہم وطن آتے جاتے تھے۔ وطن؟ صفیہ نے ذرا حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میرا وطن ڈھاکہ ہے، انہوں نے ذرا برا مان کر کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، صفیہ جلدی سے بولی، تو پہلے تو بس ادھر ہی کسٹم تھا، اب ادھر بھی کچھ گول مال ہو گیا ہے۔
उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर चले। वैसे तो डाप कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ डाप की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उसके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। पूरा हुआ। धन्यवाद।